देखा मशीन का वर्किंग, तो अब जो बचे हुए कंपोनेंट्स है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे कि ये प्रेशर गाज है, ये प्रेशर सेट करने के लिए, ताकि ये जो क्लैंपिंग सिलेंडर है वो कितनी ज़ोर से बोतल को मारे, अगर बहुत ज़्यादा ज़ोर से प्रेशर मिलेगा उस चीज़ को तो वो बोतल को फोड़ भी सकता है। तो इसके लिए हमने इसका जो प्रेशर है वो यहाँ से लिमिटेड सेट कर दिया, तो ये 1 CT सेट, आपको इसको डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। और बॉटल के हिसाब से आप जो ये गाइड्स है, ये गाइड्स को अप डाउन और आगे पीछे ले सकते हैं। वैसे ही ये जो क्लैंपिंग सिलेंडर है, यहाँ से भी इसमें भी बोल्ट दिए हुए हैं और अप डाउन करने की यहाँ पे अरेंजमेंट दी हुई है, तो इसको आप बॉटल के हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब जो नई बॉटल हमारी है वो ये साइज़ की है, तो हम इसको रख के इसकी सेटिंग कर देंगे। इसकी पहले गाइड सेट कर देते हैं इस तरह से, पहले आप दोनों अप डाउन वाला जो बोल्ट है वो आपने लूज़ कर लिया। लूज़ करने के बाद उसको आप बॉटल के बॉडी पे, मतलब बॉटल को प्रॉपरली बैलेंस करें उस लोकेशन पे आपको सेट करना है। जैसे कि आपकी ये बॉटल है, हाँ कटा, ये आपकी बॉटल है, तो इसकी जो गाइड होनी चाहिए वो गाइडिंग यहाँ पे सेंटर में होनी चाहिए। ये भी जो क्लैंपिंग सिलेंडर है वो भी यहाँ पे सेंटर में होना चाहिए, ताकि ये बॉटल को प्रॉपर बैलेंसिंग मिले। तो पहले हम हाइट वाइज उसको नीचे ले लेते हैं, और उसके बाद जो आगे पीछे है, इस गाइड को आगे पीछे लेना है। हाँ, तो हाइट वाइज तो ये हो गया हमारा, बस यहाँ तक कर दो। उसके बाद जो बॉटल को आगे पीछे लेना है उसकी ज़रूरत नहीं है, हमको बॉटल के डायमीटर को इस रबर के सेंटर में रखना है। ये जो रबर है इसके सेंटर में हमको बॉटल रखनी है, और इस गाइड, ये जो गाइड है ये फिक्स वाला, इसको बस इसको टच करा देना है बॉटल को। मतलब जब बॉटल इसको टच हो के रहेगी तो बॉटल इस जो ये सर्कुलर पोर्शन दिया इसके एग्जैक्ट सेंटर में रहेगी, और ये इसको तो कुछ सेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो स्ट्रोक है वो तो फिक्स है, इसको सिर्फ हम अप डाउन ही सेट करेंगे। ये आप कर लो, और यहाँ पे जो नीचे है यहाँ पे हमने कॉमन साइज़ का एक बड़ा सा रबर दिया हुआ है, ताकि ये सारे के सारे कैप्स को अकोमोडेट करे। आपको डिफरेंट कैप साइज़ के लिए किसी चेंज पार्ट की ज़रूरत नहीं है। अब बॉटल की हाइट के हिसाब से जो हमको एडजस्टमेंट करना है वो यहाँ पे पीछे से होगा। यहाँ पे ये जो दो बोल्ट दिए हुए हैं, ये जो सी ब्लॉक है मशीन का, ये दो बोल्ट, यहाँ पे एक बोल्ट है और उसके अदर साइड पे भी एक बोल्ट है ये वाला, तो ये दोनों बोल्ट आप जब लूज़ कर देंगे, और उसके बाद इसको जो नॉब है ये आप घुमाएंगे। अभी हमको नीचे लेना है तो मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊँगा। इस तरह से घुमाने से ये इसकी हाइट कम होती जाएगी। अब हाइट कितनी कम करनी है वो हम आपको दिखा देते हैं। अब देख रहे हैं गाइड सेट हो चुके हैं, ये भी इसके बॉडी के सेंटर में मारेगा, और ये इसने इसको बॉडी के सेंटर से होल्ड किया हुआ है। अब ये करने के बाद आपको हाइट का जो सेटलमेंट करना है, हाइट को नीचे लो। हाइट सेट करने के टाइम पे यहाँ पे एक एयर का वाल्व है, तो करते रहे, ये हम बंद कर देते हैं, मतलब मशीन में हवा जाने से बंद हो जाएगी। तो जब मशीन में हवा जानी बंद हो जाएगी तो होता क्या है, न्यूमेटिक सिलेंडर जो है उसमें हवा नहीं रहेगी, तो ये अपने आप नीचे आ जाएगा। जब उसमें सिलेंडर में हवा है तो वो नीचे नहीं आने देगा। अब यहाँ पे इतना गैप है, अभी हमको गैप तो टच करना ही है, प्लस इतनी अगर बॉटल की हाइट है तो मेरा ये जो पार्ट है वो एटलीस्ट बॉटल के 10 mm तक नीचे आना चाहिए। बॉटल फूटने का डर नहीं होगा, क्योंकि नीचे भी रबर है और अंदर भी हमने रबर दिया हुआ है, तो उसका कोई टेंशन नहीं है कि बॉटल फूट जाएगी। अब यहाँ पे, यहाँ तक तो हम पहले इसको ले आएंगे, उसके बाद उससे थोड़ा और नीचे लेके आएंगे। तो जब तक ये करते हैं मैं आपको दूसरे फीचर के बारे में बताता हूँ। ये मशीन के पीछे का भाग है, यहाँ पर हमने ये पावर केबल लगाया हुआ है जो सिंगल फेज सप्लाई से चलता है, और बाकी आपको आपके जो कंप्रेसर की पाइप आएगी वो यहाँ पे आई हुई है। एयर कंप्रेसर की जो पाइप आएगी वो यहाँ पे आई हुई है, यहाँ पे कनेक्ट कर देनी है। उसके बाद ये जो यूनिट है इसको हम FRL बोलते हैं, और यहाँ पे एयर गेट है। ये जब हम स्लाइड करते हैं, अभी जो हमने स्लाइड किया हुआ है मशीन में हवा जाने से रोक दे रहा है, यहाँ पे गेट बंद हो गया। अगर मैं इसको वापस से इस तरफ स्लाइड करूँगा तो ये हवा जाएगा और ये प्रेशर दिखाएगा। जैसे कि मैं अभी इसको स्लाइड कर दे रहा हूँ, तो इस तरह से इसने प्रेशर दिखा दिया, तुरंत अंदर हवा चली गई। तो हम अभी इसको बंद कर रहे हैं क्योंकि हमारी हाइट एडजस्टमेंट नहीं हुई है। और यहाँ पे जो ये है, ये एयर फिल्टर है,
तो अगर इसमें जैसे कचरा जम जाता है, क्योंकि जो हवा आप इस मशीन में दे रहे हो वो अनफिल्टर्ड एयर है, उसमें ह्यूमिडिटी भी है, उसमें कचरा भी है, तो ये कचरा फिल्टर कर देता है, डस्ट को फिल्टर कर देता है। ये फिल्टर आप चेंज कर सकते हैं, इसको घुमा के खोल सकते हैं। और यहाँ पे जो है, दिस इज़ ऑयल फिल्टर, दिस इज़ कॉल्ड ऑयल फिल्टर। यहाँ पे हमको एक न्यूमेटिक ऑयल आता है या T2 इंजन ऑयल आता है, इसको एक लेवल तक फिल करना है ताकि जो हवा होगी पहले वो पानी के, वो ऑयल के अंदर से होके फिर जाएगी, तो जो पानी रह जाएगा वो उसी में रह जाएगा। ऑयल के अंदर से जब हवा हो के फिर बाहर जाएगी तो पानी जो उसका कंटेंट होगा, जो ह्यूमिडिटी होगी, वो इसी में छोड़ देगा। तो इस तरह से आपके न्यूमेटिक कंपोनेंट्स को, मशीन के न्यूमेटिक कंपोनेंट्स को फ्रेश एयर मिलती है जो डस्ट और ह्यूमिडिटी फ्री है। तो FRL को यहाँ पे ऑयल फिल करने के लिए जस्ट इसको आपको घुमाना होता है। डिफरेंट डिफरेंट मॉडल में डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग होती है इसकी। थोड़ा सा ये टाइट है, इस तरह से ये खुल जाता है। आप देख रहे हैं इस तरह से ये थ्रेड पे ये खुल गया। यहाँ पे ये पाइप है जिसमें हवा पहले, ये पाइप जो है लिक्विड में डूबा होना चाहिए। ये पाइप लिक्विड में डूबा होगा तो जो आपकी हवा है वो ऑयल के अंदर से होके फिर वापस आगे जाएगी, ताकि उसमें की जो ह्यूमिडिटी है, जो पानी का वाटर कंटेंट है, वो निकल जाएगा। आपको पता है कि ऑयल तो पानी के ऊपर तैरता है, तो जो भी पानी होगा वो नीचे जमा हो जाएगा और ऑयल ऊपर रहेगा हमेशा। तो एयर की ह्यूमिडिटी निकालने के साथ साथ ये जो न्यूमेटिक सिलेंडर है उनको ल्यूब्रिकेट भी करता है। मतलब इसमें से एक आधे घंटे एक घंटे में सिर्फ एक बूंद हवा के साथ मिलके इन सारे सिलेंडर्स को सप्लाई होगी। तो उसका ये छोटा सा एक नॉब है जहाँ से आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपने खोल दिया तो तुरंत तुरंत बूंदें गिरती रहेगी, तो फिर न्यूमेटिक सिलेंडर से ऑयल लीक होने लगेगा वहाँ से, सिलेंडर से। उतना नहीं खोलना है, एक घंटे दो घंटे में एक बूंद गिरनी चाहिए, बस उतना सा खोलना है। ये सारी सेटिंग फैक्ट्री से करके आती है, तो आपको इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं वापस हाइट एडजस्ट के ऊपर। अभी हमने यहाँ तक तो नीचे ले लिया है, ये रबर ये जो है कैप को टच हो चुका है, लेकिन अब हमको और 10 mm नीचे चाहिए ताकि इस पर प्रेशर मिले बॉटल पे। तो हम न्यूमेटिक गेट को फिर से ऑन करेंगे ताकि सिलेंडर ऊपर चला जाए और बॉटल को निकाल लेंगे। और अब हम फिर से ये जो हाइट है इससे थोड़ा सा अंदाज से 10 mm और नीचे ले लेंगे। यहाँ पर आप स्केल रख के भी मेजर कर सकते हैं, जितना रहेगा उसमें 10 mm और कम कर दीजिए। तो हमने इतना नीचे ले लिया है। नीचे लेने के बाद अब जो साइड के दोनों बोल्ट्स थे, ये जो हेक्स बोल्ट थे यहाँ पे दोनों साइड के, उसको टाइट कर देंगे, तो ये आपकी हाइट जो है फिक्स हो गई। तो एक बोतल हम ऑपरेट करके देखते हैं। मार्कर दीजिए, मैं एक फ्रेश मार्किंग कर देता हूँ। ये मैंने फिंगर टाइट तो किया हुआ है ये कैप में, एक फ्रेश मार्किंग इससे मैच करा देता हूँ ताकि हमको समझे कि कितना मूवमेंट मिल रहा है। और हम फुट स्विच से मशीन को ऑपरेट करते हैं। तो ये बॉटल घूम गई, मतलब एयर का प्रेशर थोड़ा सा कम है। कंप्रेशर ऑन करके फिर से ट्राई करेंगे। इनकेस आपको लगता है कि क्लैंपिंग बहुत ज़्यादा टाइट नहीं हो रही है, तो आप इसके प्रेशर को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हैं। नॉर्मली ये 2 पे रिकमेंडेड है, 2 और 3 के बीच में। तो हम इसको 2 पे सेट कर देते हैं, 2 या 2 से थोड़ा सा ऊपर, ताकि क्लैंपिंग अच्छी हो, बॉटल मूव ना हो। और बॉटल मूव होने के दूसरे और कई रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि अगर कैपिंग की लेंथ ही उतनी है, मतलब ये कैप उतना ही, इतना सा ही टाइट होना है, और उसके बाद भी आपने कैपिंग लेंथ ज़्यादा रखी है, यहाँ से हम कैपिंग लेंथ सेट करते हैं, ये मैं आपको आगे बताता हूँ। तो भी फिर जब कैप आगे नहीं बढ़ेगा तो या तो कैप को ख़राब कर देगा, लेकिन अगर कैप बहुत हार्ड है तो फिर बॉटल मूव होगी। और तीसरा रीज़न ये है स्लिप होने का, कि अगर ये जो रबर पार्ट है इसके ऊपर कुछ लिक्विड लग गया है, या ऑयल, या आपके जो भी प्रोडक्ट के हाथ लग गए हैं, तो ये आपको प्रॉपरली क्लीन करना होगा, ताकि यहाँ पर कोई भी ल्यूब्रिकेशन या लिक्विड नहीं हो, स्लिपरी मटेरियल ना हो। तो अब हमने सबको फिंगर टाइट कर दिया है, बॉटल्स को फिंगर टाइट करके हमने मार्किंग भी ले ली है। तो हम मशीन को ऑपरेट करके देखते हैं कि क्या कंसिस्टेंसी मिलती है। अभी मैं फ़िलहाल फुट स्विच से ही ऑपरेट कर रहा हूँ। तो इतना ये टाइट हो गया।
क्योंकि आप देख रहे हैं टाइट होने के बाद भी बॉटल थोड़ी सी घूम रही है, क्योंकि शायद हमारी जो कैपिंग लेंथ है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, हम उसको कम कर सकते हैं। क्योंकि कैप की टाइट यहाँ पे जो कैप का मूवमेंट है वो शायद लिमिटेड उतना ही होना है, उसके आगे जब हो रहा है तो कैप हार्ड है, कैप की क्लीट्स ख़राब नहीं हो रही है, इसके लिए वो बॉटल को घुमा रहा है। अदरवाइज़ ये कैप स्लिप हो जाता, मतलब घूमते ही हो रह जाता, लेकिन कैप ख़राब नहीं कर रहा है क्योंकि कैप की क्वालिटी जो है हार्ड है। तो यहाँ पे भी इतनी कैपिंग हो चुकी है, और मैं थर्ड बॉटल आपको दिखाऊंगा। अभी आप देख सकते हैं ये तीनों बॉटल की जो कैपिंग लेंथ है वो ऑलमोस्ट सेम है। कैप्स अगर आप मल्टीपल टाइम यूज़ करोगे तो थोड़ा सा एरर दिख सकता है आपको, क्योंकि हम यहाँ पे ये सारे के सारे यूज्ड कैप्स एंड यूज्ड बॉटल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनकी कंसिस्टेंसी जो है आपको सेम ही दिखेगी, ऑलमोस्ट सेम है। जो डिस्टेंस है कैपिंग का वो ऑलमोस्ट सेम है, तो ये हाथ से ये कंसिस्टेंसी एक्यूरेसी नहीं मिलेगी आपको। अब कैपिंग लेंथ के ऊपर आते हैं, कैपिंग लेंथ कैसे सेट कर सकते हैं का जो फीचर है वो दिखाने के लिए मैं न्यूमेटिक गेट को पहले बंद कर दूंगा, ताकि मशीन में से हवा निकल जाएगी और हम इनको इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। ये मेरा जो है नीचे आ गया बिना एयर के, और यहाँ पे मैंने एक मार्किंग कर दिया, ये मेरे फ्रंट में है, ताकि आपको समझे कि एग्जैक्टली मूवमेंट कितना हो रहा है। और अब जो मूवमेंट हो रहा है जहाँ पे हमने सेट किया है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट होल्स दिए हुए कैपिंग लेंथ सेट करने के लिए, तो अब जो मूवमेंट हो रहा है वो इतना हो रहा है। इसके सामने मैं फिर से एक मार्किंग कर देता हूँ, मतलब दिस इज़ माई फर्स्ट, दिस इज़ माई सेकेंड, तो ये मेरा फ्रंट में सेकेंड में मार्किंग हो गई। अब कैपिंग लेंथ अगर मुझे बढ़ानी है तो मैं टूवर्ड सेंटर मूव करूँगा इसको, मतलब और आगे के होल्स में डालूंगा। और अगर कैपिंग लेंथ मुझे कम करनी, जो कि मेरे अभी इस बॉटल के केस में बॉटल को घुमा रहा था कैप होने के बाद भी, तो मतलब ये इसका जो मूवमेंट है वो एक्स्ट्रा है बॉटल के लिए, तो हम इसको कम करने के लिए इसको आगे की तरफ मूव करेंगे, मतलब इसको और आगे की तरफ। अगर सपोज़ मैं बहुत ज़्यादा कम करना चाहता हूँ तो मैं लास्ट वाले में डालूंगा, तो अब लास्ट के इसमें डालने के लिए मुझे इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाना पड़ेगा यहाँ तक, और ये बोल्ट मैं फिर से टाइट कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं, अगर मैं फिर से फ्रंट इसका मार्क करूँ तो मेरा फ्रंट यहाँ पे आ गया, मतलब अब जो मूवमेंट हुआ वो यहाँ से यहाँ तक ही हुआ, पहले जो हो रहा था यहाँ से यहाँ तक हो रहा था, तो इस तरह से हमारी कैपिंग लेंथ कम हो गई। तो इस कैपिंग लेंथ पे हम इन तीनों बॉटल की कैपिंग फिर से करके देखते हैं। न्यूमेटिक गेट को हमने ऑन कर दिया, तो हमने कैपिंग लेंथ जो है कम कर दी है। ये कैपिंग लेंथ हम और भी बढ़ा सकते हैं इफ़ नीडेड, तो फिलहाल तो हमने कैपिंग लेंथ कम कर दी है। और यहाँ पे इसका जो ये मूवमेंट है, अब आप देख रहे हैं कि ये फिंगर टाइट में भी जो हमने मार्किंग की थी उससे आगे जा रहा है, क्योंकि जब आप एक कैप को मल्टीपल टाइम यूज़ करोगे तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जाएगी, थोड़े टाइम के बाद कैप ख़राब हो जाएगा, मतलब ये जो यहाँ पे अटक रहा है ये भी नहीं अटकेगा, ये फ्रीली घूमने लगेगा, स्लिप हो जाना जिसको हम बोलते हैं। तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है जब हम मल्टीपल टाइम को यूज़ करते हैं कैप्स को। तो इसको अभी हमने ये फिंगर टाइट कर लिया और हम फिर से फुट स्विच से इसकी ऑपरेटिंग कर रहे हैं। अभी आपने देखा मेरी बॉटल बिल्कुल भी मूव नहीं हुई, मतलब मेरी कैपिंग लेंथ कम थी लेकिन कैपिंग बहुत ज़्यादा हुई है। उसका रीज़न ये है कि कैप एक टाइम के बाद सॉफ्ट होते जाएगा, जितनी बार आप उसको टाइट लूज करोगे, एक सॉफ्ट कैप ख़राब होना हम इसको बोलते हैं, कि कैप घूमते ही रहेगा, कहीं पे भी एक जगह पे टिकेगा नहीं। जैसे आप ये देख रहे हैं कैप घूमते जा रहा है, कंटिन्यूस घूमते जा रहा है, कहीं पे भी टिक रहा नहीं है। तो जब हम मल्टीपल टाइम कैप को यूज़ करेंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम होती है, कैप ख़राब हो जाता है। हम दूसरे जार के साथ ट्राई करेंगे। आई होप ये कैप सस्टेन करे और हमको सही रिजल्ट दे, क्योंकि ये भी कैप मल्टीपल टाइम यूज़ किया हुआ है। ये भी कैप थोड़ा सा ज़्यादा मूव हो गया बिकॉज मल्टीपल टाइम यूज़ है, बट ये कैप प्रॉपरली टाइट है, देर इज़ नो लीकेज, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये कंसेप्ट है। हालांकि अगर जब आप एक कैप एक बोतल को एक ही बार यूज़ करेंगे तो दिस मशीन विल गिव यू परफेक्ट रिजल्ट, जो कैप का मूवमेंट है वो परफेक्ट होगा। एक और बोतल है हमारे पास जो हमने पहले की मार्किंग करके रखी हुई है। प्रॉपरली टाइट है, इसकी जो मूवमेंट हुई है इतनी हुई है, इसकी भी मूवमेंट जो हुई है वो ऑलमोस्ट सेम है, आप देख सकते हैं दोनों की मूवमेंट का डिफरेंस।
तो फ्रेंड्स आपने देखा मशीन को ऑपरेट करना कैसे इजी है। हालांकि हमने थोड़ी यूज़ बॉटल और यूज़ कैप यूज़ किए हैं, तो बार बार कैपिंग करने के हिसाब से कुछ रिजल्ट्स बिगड़े भी है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं जो ये दोनों बॉटल टाइट हुई है वो एग्जैक्टली सेम है। मैंने उल्टा रख के भी आपको मैच करके दिखाया है, एग्जैक्टली ये एक लाइन में आ रहा है। तो जब बॉटल और कैप आपके फ्रेश होंगे तो एग्जैक्टली आपको सेम रिजल्ट मिलेगा एवरी टाइम। एंड दिस इज़ वेरी गुड मशीन टू स्टॉप लीकेज इन योर ग्लास एंड लग कैप्स वाली जो पैकिंग है उसके लिए। अगर इससे रिलेटेड आपको और भी कोई क्वेरीज है या आपके मन में और कोई डाउट है कि मेरी बॉटल कुछ अलग शेप की है, अलग साइज़ की है, तो आप हमें नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या फिर आप हमको ईमेल के द्वारा आपकी क्वेरी भेज सकते हैं बॉटल के फ़ोटोज़ और साइजेस के साथ में। जैसे कि मैंने फीचर वाइज बता दिया है, इसमें आपकी कोई भी साइज़ की बॉटल और कैप सब छोटी से बड़ी सब कुछ एक ही मशीन में हो जाएगी विदाउट एनी चेंज पार्ट। एंड मशीन जो बनी हुई है पूरी की पूरी स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है, इट्स अ फूड ग्रेड, ताकि फूड इंडस्ट्री में को सोच को ध्यान में रख के हमने बनाई हुई है। एंड ये मशीन जो है न्यूमेटिक है, इसके लिए एक एयर कंप्रेसर की ज़रूरत होगी जो कि मशीन के साथ में नहीं आता है, वो आपको अलग से परचेस करना पड़ता है, दैट इज़ अ सेपरेट यूटिलिटी। मशीन को ऑपरेट करना बिल्कुल भी इजी है, मैंने फुट स्विच का ऑपरेशन आपको दिखा दिया है। और ऑटो मोड पे करना है तो आप जस्ट इस स्विच को इस तरफ डाल के आप एक बार फुट स्विच से मशीन को ऑन कर दीजिए एंड मशीन विल कीप ऑन ऑपरेटिंग आफ्टर अ सर्टेन टाइम साइकिल। ये एक वन साइकिल मशीन ने कंप्लीट कर लिया, आप कुछ सेकंड रुक के मशीन फिर से दूसरा टाइम साइकिल कंप्लीट कर रही, तो वो जो बीच का गैप है दैट कैन बी सेट यूजिंग दिस PLC। यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर दिए हुए हैं, जैसे कि ये साइकिल डिले फीचर है, इसमें साइकिल डिले फीचर को आप सेकंड्स बढ़ा सकते हैं ताकि आपका जो ये जो साइकिल टाइम है वो कम हो जाए। जब आपको ऑटो मोड से फिर से मशीन को मैनुअल मोड पे डालना है तो आप इस टगल स्विच को चेंज कर दीजिए। तो इस तरह से ऑटो और मैनुअल दोनों मोड पॉसिबल है मशीन में, और यूज़ करना तो आपने सीख ही लिया है, कहाँ क्या फीचर है, हाइट अप डाउन करना, एवरीथिंग यू हैव लर्न। अब ये जो सिलेंडर के मूवमेंट्स है ये तो हर न्यूमेटिक में सेम होता है, सिलेंडर के मूवमेंट जब आपको फास्ट करना है, ये जो आगे क्लैंपिंग सिलेंडर आगे आ रहा है या जो डाउन सिलेंडर आया है ये किस स्पीड से आना है या ये किस स्पीड से मूव करना है, ये सारा तो यहाँ पे एयर के प्रेशर से होता है। तो एयर कंट्रोल के जो ये वाल्व्स लगे हुए ये वाले, या यहाँ पे मैं आपको मशीन थोड़ा सा टर्न करके दिखाऊं तो ये वाले जो वाल्व्स लगे हुए हैं इसके पीछे बाजू, तो ये सारे वाल्व से आपके सिलेंडर का मोशन कंट्रोल होता है कि वो कितना फास्ट मूवमेंट होगा आपका। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे वाल्व है, यहाँ पे वाल्व है, तो ये वाल्व्स मैं दूसरे भी काफ़ी सारे वीडियो में मैंने आपको बता चुका हूँ कि इनका फंक्शन क्या है। तो न्यूमेटिक्स का जो भी आपको अगर बेसिक नॉलेज होगा तो आप जानते हैं कि इनकी स्पीड को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड रखना सुटेबल नहीं है बिकॉज वी आर वर्किंग विद द ग्लास जार्स, तो हम जो सेटिंग करके बेचते हैं हम ऑलरेडी आपके जार के सैंपल के हिसाब से मशीन सेट करके बेचते हैं। इसके अलावा आपको कोई मॉडिफिकेशन चाहिए मशीन में या और कुछ चाहिए तो प्लीज़ हमें कॉन्टेक्ट कीजिए, हमने नीचे नंबर दिया हो गया। प्लीज़ सर कॉल मत कीजिए बिकॉज वी गेट सो मेनी कॉल्स, इट्स नॉट पॉसिबल टू रिप्लाई ऑल ऑफ देम, सो प्लीज़ मैसेज, यू विल श्योरली गेट रिप्लाई इन शॉर्ट इंटरवेल, प्लीज़ बी पेशेंट विथ अस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।